जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोडल अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। किसी विदेशी नागरिक के रूप में यहाँ मेला में आके गड़बड़ी न कर सके, ये सुरक्षा व्यवस्था काम है। जो भी मेला क्षेत्र में रहेगा वो किसी तरह से गौ मांस का सेवन नहीं करेगा। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। हालांकि वर्तमान में मंदिर व प्रसाद आदि की पवित्रता को लेकर उठ रहे सवालों की वजह से संत समाज इस मामले में गंभीर है। वे चाहते हैं कि महाकुंभ में इस तरह के किसी मामले से लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचे। इसको देखते हुए जूना अखाड़ा के हेड महंत हरिगिरी ने प्रशासन और लोगों से कुछ मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोडल अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। कई बार उदासीन रवैया कारण बहुत बेधर्मी होते हैं, जो कि मेला को अच्छे सुंदर ढंग से, मेला का वातावरण इस समय जो चुनौती भरी हुई है, इस समय के वातावरण को देखते हुए सरकार से, अखाड़ा परिषद के से हम यही मांग कर सकते हैं कि किसी कीमत पे जो लोग बाहर से आए, सबका आधार कार्ड और सबके अपने गांव से, अपने तहसील से, अपने ब्लॉक से किसी न किसी अधिकारी से प्रमाणित किया हुआ हो, ऐसा वो किसी कारणवश नहीं करा पा रहे, तो प्रयागराज के बाहर के सीमा पे चाहे कोई पुलिस का जवान हो, चाहे कांस्टेबल हो, या मतलब जो है प्रशासन में किसी प्रकार के नेपाल स्तर के अधिकारी को या किसी और को झुंड बनाकर उनको प्रमाणित करके ही मेला क्षेत्र में आने दिया जाए। मेला में किसी को भी सरकार उनको लेकर आवे, सुरक्षा कर्मी के साथ लेकर आवे, मेला में जहां उनको घुमाना है घुमाए जा, और फिर उनको मेला से सरकार सरकुशल उनको बाहर ले जाए। ये मेरा कहने, उनको यहां मेला में रहने के लिए सुरक्षा के संगीन के छाया में ही उनको मेला में रखा जाए। कि किसी प्रकार अन्य धर्मों की बातें कर रहे हैं, मैं अन्य धर्मों की बातें कर रहे हैं कि मेला में आने की कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग आए शाही स्नान के एक दो दिन पहले आवे, वीआईपी भी आवे तो स्याही से एक दो दिन पहले आगे पीछा में, जो प्राचीन परंपराएं रही, 54 की घटनाएं हमें आज भी याद हैं, पूरी तरह से हम लोग उसके प्रति जागृत हैं, इसलिए निश्चित मतलब जो है उनको आए मर संगीन की छाया में आवे, और संगीन की छाया में ही मेला क्षेत्र से बाहर जाए, कहीं मेला में कोई गलत गतिविधियों में उनके द्वारा या उनके नाम के कारण या आईएस के रूप में किसी विदेशी नागरिक के रूप में यहाँ मेला में आके गड़बड़ी न कर सके, ये सुरक्षा व्यवस्था काम है। किसको लाना है वो लाएं, पर उनको संगीन की छाया से ही मेला क्षेत्र से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको बाहर ले जाएगा। मेला क्षेत्र में देखिए, भारत में अनेक प्रकार का लोगों का खाना पीना है, हर राज्य में हर जगह यहाँ खाना पीना है, लोग आप रुचि भोजन करते हैं। हमें पहला काम है सरकार उत्तर प्रदेश से एक डायरेक्ट मतलब जो है इसमें गजेटियर जारी करना चाहिए कि इसमें जो भी मेला क्षेत्र में रहेगा वो किसी तरह से गौ मांस का सेवन नहीं करेगा, पहले वो याद रहे, वो किसी धर्मी के व्यवस्था हो हमारे नियम कानून को मानना पड़ेगा कि उसको कैसे यहाँ पे रहना है, उस वातावरण के अनुसार यहाँ रहकर और वो यहाँ की पवित्रता को, यहाँ के देवी देवताओं को मलिच्छ के रूप से न रहे। इसलिए मेरी आग्रह है कि टिफिन में भोजन लेकर आप कुछ भी आते हैं, ये ध्यान करें कि आपकी टिफिन की इंक्वायरी हो सकती है, आप ध्यान करें किसी प्रकार की पुलिसकर्मी नहीं किया तो साधु संत भी जिसकी भी आप नियुक्ति करेंगे उसको हम लोग भी जांच कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आग्रह है कि चाहे जिसकी हो, खाने पीने का जरूर ध्यान रखा जाए जो मेला क्षेत्र में रहे।